प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि से 10 दिवसीय गणेश उत्सव की शुरुआत होगी, जो अनंत चतुर्थी तक चलती है। गणेश चतुर्थी के दिन घरों पंडालों में रिद्धि सिद्धि के दाता गणपति जी विराजमान होते हैं। इसको लेकर अभी से तैयारियां शुरू हो गई हैं। विघ्नहर्ता बप्पा का अपने घरों में स्वागत करने के लिए भक्तों में तो काफी उत्साह है ही, वहीं मूर्तिकार भी गजानन को आखिरी स्वरूप देने में जुट गए हैं। रीवा शहर के मशहूर पवन मूर्तिकार का कहना है कि इस बार बाल गणेश की सबसे ज्यादा डिमांड हो रही है। इसे ध्यान में रखते हुए गणेश भक्तों के मांगों के अनुसार गणेश जी की मूर्ति को आकार दिया जा रहा है। सबसे ज्यादा खेलते हुए गणेश जी अपने वाहन चूहे की सवारी और नंदी की सवारी करते हुए गणेश जी, डांस करते हुए गणेश जी, शिव पार्वती के साथ गणेश जी, लड्डू खाते हुए गणेश जी, शयन करते हुए गणेश जी बनाए गए हैं। इसके अलावा जिले भर से जिन बड़े प्रतिमाओं के ऑर्डर मिले हैं, जो शहर में आकर्षण का केंद्र बनेंगे, उनमें भी काम चल रहा है। पवन बताते हैं कि पिछले वर्षों में कोरोना और उसके बाद के सालों में मूर्तिकारी से ज्यादा फायदा नहीं हो पाया था, लेकिन इस वर्ष उन्हें ये उम्मीद है कि ज्यादा से ज्यादा लोग गणेश जी के स्थापित करेंगे और इससे उनके व्यापार में काफी मुनाफा भी होगा। मान्यता है कि 10 दिनों तक गणेश जी कैलाश से धरती पर भक्तों के बीच रहकर उनकी हर समस्या दूर करते हैं। यही कारण है कि पूरे भारत में इस महोत्सव को धूमधाम के साथ मनाया जाता है। रीवा में भी इसकी तैयारियां शुरू हो गई है। इस साल यानी 2023 में गणेश उत्सव 19 सितंबर 2023 गणेश चतुर्थी से शुरू होगा। इसकी समाप्ति 28 सितंबर 2023 को अनंत चतुर्थी पर होगी। आखिरी दिन बप्पा की मूर्ति का विसर्जन किया जाएगा। ये मूर्तियां भैया बनने लगी हैं, काफ़ी समय से हम लोग काम चालू किए हैं, करीबन 5-6 महीने हो रहे काम चालू किए हुए हमें। और छोटे छोटे कई रूप में गणेश बनाए हमने, बाल रूप में है, मटके में बैठे हुए हैं, कोई माखन खाते हुए है, कोई रथ चलाते हुए है, कोई नंदी के ऊपर बैठे हुए हैं। तरह तरह के लोग आते हैं, तरह तरह की मूर्तियाँ मांगते हैं। तो सबसे ज़्यादा किन गणेश जी का क्रेज है, बाल गणेश जी के बड़े स्वरूप में गणेश जी? बाल गणेश इस समय सबसे ज़्यादा बाल गणेश चल रहे हैं, बाल गणेश है और अलग अलग पैटर्न में, कोई माखन खाते हुए, कोई नंदी में बैठे हुए, कोई कुछ तरह, कोई डांस करते हुए, सभी अलग अलग तरीके से। कोई शिव जी के बगल में सब, कोई शिव रूप में बनवा रहा है, कोई गणेश रूप में बनवा रहा है, कोई भोलेनाथ के रूप में बनवा रहा है, कोई माखन खाते हुए कृष्ण भगवान के रूप में बनवा रहा है। पार मेहनत की है तो कैसे देखते हैं व्यापार? देखिए भैया, व्यापार ये है कि अभी 2-3 साल तो कोरोना से परेशान थे, 2 साल तो पहले ऐसे ही निकल गया। उसके पिछले साल जो था, पिछले साल भी इतना ज़्यादा असर नहीं था, थोड़ा बहुत लोग हो गया, ले गए कुछ, नहीं ले गए कुछ, बोले पैसा ही नहीं है, कोविड की वजह से पैसा ख़त्म हो गया। अब इस साल उम्मीद है कि इस साल अच्छा व्यापार होगा, इसलिए पहले से आदमी काम चालू किया है और बनाया हमने काफ़ी प्रकार के गणेश जी। कब तक आप आखिरी आकार दे देंगे? अभी रक्षाबंधन के बाद तक कंप्लीट हो पाएंगे, रक्षाबंधन तक करीब।